नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ प्लैनेट्स में। आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही रोचक विषय की जानकारी लेके आया हूँ। विषय का नाम है आपके जन्म महीने के आधार पर आपके व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में जानकारी। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हर इंसान का हर महीने और हर दिन की एक अलग खासियत और प्रकृति होती है और इसी के आधार पर उस इंसान की खूबी, शौक, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ और स्वभाव तय होता है। अंग ज्योतिष के हिसाब से हर इंसान के व्यक्तित्व पर उसके जन्म महीने का भी उतना ही असर होता है जितना कि जन्म तारीख का। आपको अगर किसी व्यक्ति के जन्म का महीना पता है तो आप आसानी से उस व्यक्ति के आचरण को समझ सकते हैं। आज हम जानेंगे अप्रैल मंथ में पैदा हुए लोगों के स्वभाव और उनकी विशेषताओं के बारे में। यदि इस मंथ में भी आपके लाइफ पार्टनर, लवर्स या फ्रेंड्स ने जन्म लिया है तो आप भी उनके स्वभाव की कुछ विशेष बातें, उनकी जीवन शैली, उनके जीवन के सीक्रेट्स और ऐसी कुछ रोचक बातों के बारे में जान सकते हैं। बात करते हैं अप्रैल मंथ में वाले व्यक्तियों क्या होता है। अप्रैल महीने की शुरुआत वैसे तो अप्रैल फूल के नाम से जानी जाती है, लेकिन अप्रैल में पैदा होने वाले लोग बेवकूफ नहीं होते बल्कि दूसरों को बेवकूफ बनाने में माहिर होते हैं। ये लोग काफ़ी एनर्जेटिक और जोशीले होते हैं और इनकी एनर्जी, इनकी ताकत होती है। अप्रैल मंथ में जन्म लेने वाले जातक जातिकाओं के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। अप्रैल माह में सूर्य गोचर की स्थिति को देखते हुए अप्रैल मिड में सूर्य गोचर भ्रमण में उच्च राशि में होते हैं, जिससे इस मंथ में जन्म लेने वाले युवक युवतियों को मंगल के साथ साथ सूर्य का प्रभाव का भी लाभ प्राप्त होता है। अप्रैल में जन्मे युवक युवतियों की खास क्वालिटी ये होती है कि ये लोग अव्वल दर्जे के रोमांटिक होते हैं। उम्र के 16 पड़ाव आते ही इनके लव अफेयर के अफसाने सुनने को मिल जाते हैं। एक साथ 4-5 अफेयर संभालने में इनकी खूबी होती है। ये लोग नाटकबाज इतने बड़े होते हैं कि अच्छे से अच्छा इनकी ग्रिप में आ जाए। वक्त आने पर रोना पीटना, तमाशा करना इनके बाएं हाथ का खेल है। वहीं लव रोमांस के अंतर्गत भी ये व्यक्ति बहुत खास किस्म के लकी होते देखे गए। इन्हें ऑपोजिट जेंडर से भरपूर प्यार मिलता है। इनका खुद पर नियंत्रण थोड़ा कम ही होता है। यदि मौका मिलने पर ये सारी सीमाओं को लांघने में भी संकोच नहीं करते। प्यार और रोमांस में इन जातकों की महारत हासिल होती है। रोमांस किस तरह से किया जाए, उसे खुशनुमा कैसे बनाया जाए और इसके माध्यम से सामने वाले का दिल कैसे जीता जाए, ये सब इनको बहुत ही अच्छी तरह से आता है। रोमांस आपका आकर्षक अंदाज आपके व्यक्तित्व में काफ़ी काम आता देखा गया है। अप्रैल में जन्म लेने वाले युवक युवतियों को शो ऑफ करना ज़्यादा पसंद होता है। अपने दोस्तों के बीच कई बार इसी वजह से परेशानी में पड़ जाते हैं। इनके शो ऑफ की दुकान लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर पाते हैं। कई बार इनकी लड़ाई झगड़ा भी इसी का कारण बन जाती है। ये लोग एक नपीतुली सोच के अनुसार चलते हैं। जी हाँ, अप्रैल मंथ में जन्म लेने वाले व्यक्ति एक बार जिस व्यक्ति के बारे में अपनी सोच कायम कर लें तो जल्दी उसे बदलते नहीं हैं। उनका यह स्वभाव कई बार रिश्तों में परेशानी का कारण भी बन जाता है। अपनी राय पर ये लोग कायम रहते हैं और अपनी इमेज को लेकर बहुत ही सतर्क रहते हैं। दिल से अच्छे और घूमने के शौकीन ये व्यक्ति होते हैं। नेचर के साथ रहना और नेचर का आनंद लेने के लोग प्रेमी होते हैं। इस मंथ में जन्मे लोग खेल, मीडिया, एडवर्टाइजिंग और पॉलिटिक्स में अक्सर सफल होते देखे गए। इनकी विशेषता कही जाए कि जमाने भर की मस्ती और शरारत करने के बाद भी या फिर हर अनैतिक और नैतिक काम करने के बाद भी शादी के बाद ऐसे गंभीर और समर्पित होने का ढोंग करेंगे कि इनके पुराने किस्सों पर कोई विश्वास ही नहीं करे। इनमें विलक्षण प्रतिभा पाई जाती है। जिस भी क्षेत्र में कदम रखते हैं सफलता के चरम सीमा पर पहुँच जाते हैं। मीडिया में छाए रहने में ये लोग माहिर होते हैं। चाहे इस फील्ड से इनका कोई लेना देना ही न हो, लेकिन फिर भी ये मीडिया में अक्सर देखने को मिलते हैं। अप्रैल में जन्मी कन्याएं अनाप शनाप खर्च करने में नंबर वन होती है। कोई इन्हें इस बात पे टोक दे तो इन्हें बर्दाश्त भी नहीं होता है। इनके गुस्से से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। ये लोग बातों को बड़ा छाड़ा कर बोलने में भी बहुत माहिर होते हैं। इस मंथ में जन्म लेने वाले लोगों को अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब लोग इनके लिए वक्त निकालते हैं तो ये लोग सातवें आसमान में पहुंच जाते हैं। इन्हें अच्छे लोगों के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। किसी भी कंपटीशन का हिस्सा बनना और उसमें जीतना इनके लिए काफ़ी एक्साइटिंग साबित होता है। ये लोग काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन अपनी भावनाएँ जाहिर करने में थोड़ा सा ये लोग कतराते हैं। इस मंथ में जन्म लेने वाले लोग रोमांस और रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी बोल्ड और बिंदास होते हैं। ये लोग अपनी फीलिंग्स को हर पॉसिबल तरीके से छुपा सकते हैं और साथ ही साथ जिस चीज़ को एक्सपोज करना चाहे उसे बहुत ही अच्छी तरह से एक्सपोज भी कर सकते हैं। अगर ये सच में किसी को पसंद करते हैं तो उसके सामने आकर प्रपोज करने में इनको बिल्कुल भी देर नहीं लगती। इस महीने में जन्म लेने वाले लोग कई बार नशे के आदि हो जाते हैं। नशा इनके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। इस महीने में जन्मे लोगों को कभी शराब के पास नहीं जाने देना चाहिए।
मौज मस्ती के साथ शुरू गई ये आदत इनका एक नशे का आदि का कारण बन सकती है। जिद्दी होने के कारण ये लोग जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। हरदम तरोताजा रहने वाले लोगों को इन जातों को आलस से बहुत दूर रहते हैं। ये लोग जहाँ भी जाते हैं दोस्त आसानी से बना लेते हैं, या फिर यूँ कहें महफिल की ये लोग जान होते हैं। इन्हें अपनी स्वतंत्रता पर अधिक प्रेम होता है। ये किसी भी चीज़ में बंद कर रहना पसंद नहीं करते, जिसके कारण कई बार इनका अपने करीबियों के साथ भी झगड़ा हो जाता है। ये जिंदगी को लेकर हमेशा बहुत ही उत्साह और उम्मीद में रहते हैं। इन्हें आज़ाद रहना और हर काम को अपने तरीके से करना पसंद होता है। इनका लकी चार्म है ट्रैवलिंग। ऐसा कभी नहीं होता कि ये लोग ट्रैवलिंग करें और उनको ऐसा कुछ ना मिले जो इनको बहुत प्यारा हो। ये प्यारी चीज़ कोई भी हो सकती है, या कोई इंसान हो सकता है, या अन्यथा और कोई भी चीज़ इनको मिल सकती है। ट्रैवलिंग इनकी ज़िंदगी का हमेशा खुशियाँ लेकर आती है। इस महीने में जन्मे लोगों का रोमांस बहुत पसंद होता है, लेकिन साथ ही साथ ये लोग सुकून और शांति की जिंदगी जीने में भी विश्वास करते हैं। इन्हें बोरियत बिल्कुल पसंद नहीं होती। इस मंथ के स्वामी ग्रह मंगल होने के कारण इनमें लीडरशिप की भावना दूसरे लोगों की तुलना में अधिक देखी जा सकती है। इसीलिए ये लोग राजनीति, पुलिस, सेना, खेल जगत या फिर एडवर्टाइजिंग जैसे फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंट होने के कारण ये लोग लगभग हर फील्ड में माहिर होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी खासियत यह होती है इनका केयरिंग और गिविंग नेचर। इन्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं ये लोग अपने लोगों से कहीं अलग ना हो जाएं। इसके साथ ही इनका स्वभाव काफ़ी जिद्दी किस्म का होता है। जो चीज़ ये ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। दूसरों पर अपनी बात मनवाने में ये लोग माहिर होते हैं। इन लोगों पर आँख बनकर भी विश्वास किया जा सकता है। अप्रैल मंथ में पैदा होने वाले लोग काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। इनकी गजब की पर्सनैलिटी होती है। भीड़ में भी ये अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। लोग इनके लुक और अदाओं पर फिदा रहते हैं। इस मंथ में जन्मे लोग अपने लुक और हेयर स्टाइल को लेकर भी काफ़ी सजग रहते हैं। हेयर स्टाइल के साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट ये लोग करते रहते हैं। लग्जीरियस लाइफ जीने के लोग शौकीन होते हैं। अपनी बातों को सीधे और स्पष्ट रूप से कह देते हैं। इसमें लोग बिल्कुल भी झिझक नहीं करते। इन लोगों में बिल्कुल भी डिप्लोमेसी नहीं होती है। खुद पर इतना भरोसा होता है कि ज़िंदगी में दौलत और शोहरत पाने के लिए अपने बल पर ये लोग हासिल कर लेते हैं। चुनौतियों से ये लोग नहीं घबराते। अगर इन्हें कोई चैलेंज करता है तो पीछे हटने में ये अपनी तौहीन समझते हैं। खतरों से खेलना इनको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए कोई भी जोखिम उठाने से ये लोग नहीं घबराते। इन्हें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन ज़्यादा देर तक ये लोग अपने लोगों से नाराज रह ही नहीं सकते। ये इनके स्वभाव की सबसे बड़ी खासियत होती है। यदि इस माह में आपका जन्म हुआ है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गजब का होता है। दूसरों पर अपने व्यक्तित्व की गहरी छाप छोड़ने में आप माहिर होते हैं। स्वभाव आपका सौम्य और ईमानदार रहता है। इस माह में सूर्य सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं, इसीलिए आप पर सूर्य के गुणों को मुख्य रूप से देखा जा सकता है। वैभव का जीवन इन्हें पसंद होता है। इस जीवन शैली को बनाए रखने की ये लोग पूरी पूरी कोशिश करते हैं। वैसे तो आप शांत होते हैं, परंतु यदि किसी व्यक्ति से नाराज हो जाए तो सामने वाले की खैर नहीं। सेहत को लेकर काफ़ी अधिक सचेत नहीं रहते। आपका स्वभाव आगे जाकर बड़े रोगों को आमंत्रित कर सकता है। बालों को गिरने की समस्या से ये लोग जल्दी परेशान हो जाते हैं। भाग्य का इंतजार करने की जगह मेहनत से काम करना इन लोगों की पसंद होती है। आपकी सफलता का श्रेय सिर्फ आप ही को जाता है, किस्मत को नहीं। अच्छे अवसरों का लाभ उठाने से आप कभी नहीं चूकते। तो दोस्तों, ये था अप्रैल मंथ में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का स्वभाव और उनकी कुछ विशेषताएँ, साथ ही उनकी कुछ कमियाँ। यदि आपका या आपके मिलने वालों का भी इस मंथ में जन्म हुआ है तो आप इनकी विशेषताओं के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। अब बात करते हैं अप्रैल मंथ में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए लकी स्टोन और लकी कलर्स के बारे में। लकी स्टोन आप लोगों के लिए रहेगा मूंगा और माणक। लकी डे आपके लिए संडे, वेनसडे और फ्राइडे रहेगा। लकी नंबर की बात करूँ तो 1, 5 और 8 रहेगा। लकी कलर आपके लिए ऑरेंज, मेहरून और गोल्डन कलर रहेगा। लकी मंथ आपके लिए जनवरी, जून व नवंबर मंथ है। लकी डायरेक्शन की बात की जाए तो दक्षिण दिशा आपके लिए हमेशा बेहतर रहेगी। इष्ट देवता आपके हनुमान जी भगवान रहेंगे। मंत्र आपके लिए रहेगा ओम हनु हनुमंते नमः। इस मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये बातें थी अप्रैल मंथ की। यदि आपके जीवन में या आपके फैमिली की लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप मुझसे संपर्क करके अपने जीवन का हल निकाल सकते हैं। धन्यवाद।